सोनाली फोगाट की मौत मामले में नेशनल विमेन कमीशन ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। बुधवार शाम को आयोग की दो सदस्यीय टीम गोवा पहुंची। एक टीम के सदस्य कंचन खट्टर ने सोनाली के भाई रिंकू और उसके जीजा अमन पुनिया से करीब एक घंटे तक बातचीत की। दोनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। बातचीत के बाद दोनों से कंचन ने कई जानकारियां हासिल की। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी चेक की गई है। मामले में सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने बताया कि आयोग मौत को संदिग्ध मानकर जांच कर रहा है। सोनाली को रात की तबीयत खराब हुई थी, परंतु अस्पताल सुबह लेकर जाया गया। वहीं नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि दो सदस्यीय कमेटी की जांच अभी पूरी नहीं है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि सोनाली की मौत मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मीडिया से कहा कि गोवा पुलिस गहनता से जांच कर रही है। गोवा के डीजीपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भास्कर मुखर्जी भी जुड़ चुके हैं। भास्कर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सोनाली फोगाट की मौत पर अभी भी संशय बरकरार है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, कई सवाल जो है सोनाली की मौत से अब जुड़ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी तमन्ना, फिलहाल में अगर अपडेट की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई थी। लगभग समय की अगर बात की जाए तो 11:30 बजे के आसपास पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी। परिवार वाले बार बार मांग कर रहे थे कि पोस्टमार्टम की जितनी भी प्रक्रिया है उसको वीडियोग्राफी किया जा सके। और फिलहाल अगर अपडेट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम की पूरी जो प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई है। जी तमन्ना जी, कुछ पता चल पड़ा है भास्कर कि क्या कुछ निकला है पोस्टमार्टम में, क्योंकि हार्ट अटैक बताया गया था इनिशियली से? जी तमन्ना, देखिए अभी तक डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो अभी सामने नहीं आई है। इनिशियली हार्ट अटैक का जो मामला था वो बताया गया था कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक हुआ था। फिलहाल डॉक्टर की जो टीम है वो अपना रिपोर्ट क्या देती है वो अभी देखने वाली बात होगी। जी तमन्ना। भास्कर, एक कई सवाल जो है वो जहन में आ रहे हैं। सोनाली फोगाट जिस तरह की शख्सियत थी, एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वो टिकटॉक स्टार भी थी, अपने फैंस का अलग अलग तरीके से मनोरंजन करती थी। ऐसे में जैसा कि इनके भाई ने कहा है कि सोनाली फोगाट ने बताया था कि उनका रेप हुआ, उसके बाद उस चीज़ को ब्लैकमेल किया गया, वीडियो बनाई गई और उनको ब्लैकमेल किया जाता था। जिस तरह की सोनाली बिंदास और बोल्ड शख्सियत थी, ऐसा लगता है कि सोनाली फोगाट ऐसे मामले में चुप रहने वालों में से थी? देखिए तमन्ना, उनके भाई जो हिसार में फिलहाल मौजूद हैं और उनके पार्थिव शरीर का यहाँ पर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि सोनाली फोगाट जो है वो एक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफी बोल्ड थी और उनके साथ अगर ऐसी कोई बातचीत हुई है तो वो शेयर कितना कर पाए हैं अपने परिवारजनों से, ऐसे में मतलब एक ये जांच का विषय बना हुआ है कि ये क्या पूरा का पूरा मामला है। जिस तरीके से एक कंप्लेंट सामने आई है उसमें कंप्लेंट में बताया गया है कि उनके साथ रेप किया गया था और उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो इस मामले में कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजें तथ्यों को देखते हुए परिवार वाले जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि पूरे मामले का पटाक्षेप हो सके। जी तमन्ना जी, भास्कर इस चीज का खुलासा कब किया था सोनाली की तरफ से, इस चीज का खुलासा कब हुआ था कि उनका रेप हुआ है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? जी देखिए तमन्ना, एक जो पुलिस वालों को गोवा पुलिस की तरफ से, गोवा के पुलिस को एक एप्लीकेशन दिया गया, उसमें जो बताया गया है कि एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। तो अभी इसी पूरे मामले के चलते परिवार वाले जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं बार बार कि ताकि ये इस पूरे, अगर ये कोई षड्यंत्र है तो ये षड्यंत्र रचने वाला कौन है, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। ठीक तमन्ना। बाकी भास्कर, अभी ये लगना बाकी है पता कि ये मौत है या वाकई हत्या की गई है। काफी सवाल जो हैं वो अभी उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। फिलहाल क्या लगता है कि कब तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है और इसको सार्वजनिक किया जाएगा? तमन्ना, अगर बताया जा रहा है कि वहाँ एक घंटे के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनिशियल क्या आया है उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी और आगे अगर उनकी हत्या की गई है, अगर ऐसे कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं तो अगर उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेस पे एफआईआर का जो प्रोसेस है वो भी किया जा सकता है। जी तमन्ना
जी, परिवार वाले लगातार सीबीआई के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे, इस पर कोई चर्चा? क्योंकि अभी तो हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, अगर आता है कि मौत जो है प्राकृतिक तरीके से हुई है, हार्ट अटैक हुआ है, तब तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर फर्ज कीजिए नहीं आया, तो क्या कुछ इस तरह की बात चल रही है कि सीबीआई से जाँच कराई जाएगी? जी तमन्ना, परिवार वाले जो हैं वो एक ही बयान पर अडिग हुए हैं कि इस पूरे मामले की जो है वो सीबीआई जांच की जानी चाहिए, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी कहता हो। वो कुछ ऐसी बातें भी बीच में आ रही थी कि परिवार वाले संतुष्ट, गोवा के पोस्टमार्टम से संतुष्ट अगर नहीं होते हैं, हाँ, तो वो दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कहेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि उसको मतलब एक प्रोसेस होता है पूरा, दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने के लिए प्रोसेस होता है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट इस पे कितना एक्शन लेती है और कितना इस चीज को मतलब आगे बढ़कर वो दोबारा से पोस्टमार्टम की अनुशंसा करती है। जी तमन्ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर तमाम जानकारी के लिए। तो पोस्टमार्टम सोनाली फोगाट का हो चुका है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब सार्वजनिक किया जाएगा डॉक्टर्स की तरफ से, तब कुछ चीज़ें साफ हो पाएंगी। फिलहाल ये मौत एक मिस्ट्री है, या फिर वाकई ही मौत हुई है या हत्या की गई है, ये तब तक साफ होना मुश्किल है।